साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे भाई। अपडेट मेरे पास जो भी अपडेट आती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि जो बंदा जहां है जिस कंट्री से रिलेटेड वो वीडियो वॉच कर रहा है तो थोड़ा उसको नॉलेज हो जाए, ताकि दिल को तसली मिल जाए। मैं बात करूंगा लगभग कंट्रियों के बारे में। आज फर्स्ट मैं बात करूंगा सऊदी से रिलेटेड। तो साथियों सऊदी में जो रहने वाले हैं, चाहे वो विजिट में हैं, चाहे वो परमिट में हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा में हैं, चाहे आप इंडिया छुट्टी आ चुके हैं, आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के कगार पर है, तो आप अपनी कंपनी में आपके कफील से कॉन्टेक्ट करिए। गवर्नमेंट 3 मंथ का टाइम बढ़ा दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, आपके लिए बेस्ट न्यूज है। 3 महीने तक आपका वीजा एक्सपायर भी हो जाएगा तो वो रिन्यू हो जाएगा आपका जॉब, आपका वीजा कहीं नहीं जाने वाला, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है सऊदी वालों के लिए। ठीक है साथियों, शॉर्टली तरीके से मैं बता रहा हूं कि सऊदी के बंदे हैं उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने कफील से कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका वीजा अगर आप वहां पर हैं तो भी आपका एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप छुट्टी आए हैं तो भी एक्सटेंड हो जाएगा 3 मंथ के लिए। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर उस कंट्री का क्या कंडीशन है, सर उस कंट्री का भाई, मलेशिया के भी लोग कमेंट करते रहते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बता दूं, मलेशिया में 1200 से 1300 प्लस पॉजिटिव पाए गए हैं, काफ़ी सारे लोगों की मौत हो चुकी है। मलेशिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैन हो गया, लॉकडाउन हो चुका है मलेशिया में, जो जहाँ है वहीं का वहीं है। ठीक है साथियों, मैं ये क्लियर कर दूं, मलेशियन गवर्नमेंट ने घोषणा भी करी है कि भाई वहाँ के जो लोकल सिटीजन हैं उनको 1500 रिंगिट महीने का खर्चा दिया जाए, जो भी उनका ईएमआई बिजली के बिल वगैरह जो भी है उनको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया कि 6 महीने तक आप जमा नहीं करवाएंगे तो कोई फाइन आपको नहीं लगेगा। और जो वर्क परमिट पे हैं वहाँ की कंपनियों में, उनको वहाँ की कंपनियों ने घोषणा की है भाई हम 600 रिंगिट पर कैंडिडेट को महीने का देंगे, ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके वहाँ की। तो भाई मलेशिया की अपडेट ये है, बिल्कुल लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई एजेंट वैसे कैसे करता है तो बिल्कुल फेक न्यूज़ ये, इसको मान सकते हैं। बाकी और जैसे कतर हो गया, दुबई, सऊदी, मस्कत, कुवैत, सब कंट्रियां अभी कुछ नहीं है, कोई आपको जाने की या फिर उधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा की आप सबसे बड़ी टेंशन होती है वीज़ा की, तो आपका वीज़ा कोई भी हो भाई, आपका वीज़ा 100% एक्सटेंड होगा आपका। वो ये एक महामारी है, इसमें गवर्नमेंट को सहयोग करना गवर्नमेंट की मजबूरी होती है और उनकी जिम्मेदारी होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कंट्री के हों, आपका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाएगा तो भी वो रिन्यू हो जाएगा, आपका दोबारा से पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास जो अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अभी भाई कोई भी कंट्री की कोई न्यूज नहीं है, लेटेस्ट न्यूज जैसे ही आएगी 31 तारीख के बाद में अगले महीने में, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी न्यूज आएगी वो शेयर करता रहूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन थी शॉर्ट तरीके से मैं आपने बता दी, किसी भी कंट्री की अभी कोई अपडेट नहीं है शॉर्ट में, ये समझ लीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, उसके साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।